हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेएडी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लास्ट के 3 से 4 लेक्चर हम देख चुके हैं, काफ़ी कुछ हमने उसमें देख लिया है और आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा पाइथन पढ़ते हुए। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने की कि जिससे कि आप अच्छे से कर सकें। सो आपको जो देखने के लिए मिल रहा है पाइथन का ट्यूटोरियल, वो मिल रहा है एकेएडी सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एकेएडी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना है। सो देखिएगा स्टूडेंट, पाइथन में लास्ट में हमने क्या देखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। पाइथन में हमने देखा था कमेंट्स के बारे में एंड टाइप ऑफ ऑपरेटर देखा था। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या कि आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रिंट फंक्शन कैसे वर्क करता है पाइथन के अंदर, और भी कुछ देखेंगे यहाँ पे, तो वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है, मैं बता दूंगा सभी आपको जल्दी से देखते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट, लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। देखिएगा, सबसे पहले प्रिंट जो हमारे पास मेथड है वो है क्या, सबसे पहले प्रिंट से वर्क क्या होता है। तो चलते हैं हम आईडीएली में चल के ही हम काम करेंगे, क्योंकि मोस्टली हमारा वर्क जो होगा आईडीएली में ही होगा। तो ये लास्ट का आउटपुट है, एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको क्लोज किया एंड यहाँ से मैं F5 करता हूँ, ठीक है, ओपन हो जाएगा मेरा आईडीएली। तो मैंने यहाँ पे किया, सबसे पहले मेरे को देखना क्या है, प्रिंट है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, देखो जैसे ही मैंने प्रिंट लिखा, आप देख रहे हो मैंने टी हटाया तो देखो इसका ब्लैक है, बट जैसे ही प्रिंट लिखता हूँ तो कलर चेंज हो गया एंड यहाँ पे इसको ऐसे किया, एंटर किया। सो स्टूडेंट, अभी इसने किया क्या, देखो मैंने ओनली प्रिंट लिखा है और उसने क्या यहाँ पे किया, तो इसने किया नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया। देखो एक लाइन पूरी है यहाँ पे, देखो पूरी होगी ना एक लाइन, तो इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक और बता दूंगा कि अगर मैं x इक्वल टू यहाँ पे 9 कर दे रहा हूँ एंड अगर मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, प्रिंट करना है मेरे को, ओके RINT, एंड मैं x को कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखो मेरे को इसका आउटपुट दिखा देगा। एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, इसके अंदर सीधा कोमा, ऊपर कोमाज लगा के अगर मैं करता हूँ AKSD सॉल्यूशन, तो देखो यहाँ पे इसी तरह से सॉलिड प्रिंट हो जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेंड देन, इसके अंदर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, डबल कोमास भी और सिंगल कोमास दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड डिवाइस होती है मॉनिटर पे, डेटा प्रिंट कराने के काम आता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है जो हम देंगे, स्ट्रिंग रिटर्न करता है या जो उसके अंदर वेरिएबल जाएगा वो उसको रिटर्न कर देगा। एंड अब इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी पे हमको चलना है। सबसे पहले डिस्प्ले कराता है गिवन ऑब्जेक्ट, जो हमने ऑब्जेक्ट दिया है उसको डिस्प्ले कराएगा। देखो यहाँ पे बता रखा है डिस्प्ले कराएगा किसको, ऑब्जेक्ट को। स्टैंडर्ड डिवाइस बोलते हैं, जैसे कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड डिवाइस होती है, जैसे कि ये हम एक तरह से मॉनिटर लगा लें, स्टैंडर्ड डिवाइस है, ठीक है इनको। अब प्रिंटएफ का ये सिंटैक्स दिया है इन्होंने, देखो सिंटैक्स, ऑब्जेक्ट आ सकता है, सेपरेटर का मतलब जब हम कोमा यूज करते हैं ना ये वाला, तो कोमे का मतलब क्या है, कोमे का मतलब है बीच में एक स्पेस। उसके बाद एंड का मतलब क्या है कि जब हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा एंड उसके बाद ये किया, अब इसके अंदर दो चीज चलती है, अगर मैं कोमा लगाऊंगा तो यहाँ पे एक सेप चलेगा, ठीक है, सेप बोले तो सेपरेटर। अब अगर मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा, इस तरह से करूंगा, तो मेरा एंड चलता है, एंड जो कि मैंने शुरू में दिखाया अभी एग्जांपल में कि जब मैंने प्रिंट लिखा और एंटर किया तो देखो क्या हुआ था, वहां पे एकदम हमारा एक नई लाइन आ गई थी, ठीक है। उसके बाद फाइल चलती है, फ्लैश चलता है, यहाँ पे फॉल्स, ये चीज आपको बाद में पढ़नी है। इस चीज को अगर आप अभी पढ़ते हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें प्रॉब्लम क्या, आप सोचोगे यार ये समझ नहीं आया, तो ये चीज आपको बाद में पढ़नी है। आपको सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा एंड ऑब्जेक्ट बताऊंगा, ठीक है, तीन चीज अभी बताऊंगा। थ्योरी आपको अच्छे से रीड आउट कर लेनी है, मैं बताऊंगा आपको एक्सपेरिमेंट करके प्रॉपरली क्या होता है वो। तो देखो चलते हैं अपने आईडियली में। आईडियली के अंदर सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट, अगर मैं प्रिंट सीधा सिंपल लिखता हूँ, देखो एंटर किया, न्यू लाइन प्रिंट हो गई, एक लाइन के बाद आया है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, है ना, और मैंने यहाँ पे एक्स को लिखा, तो देखो मैंने एक्स को लिखा, एंटर किया, नीचे मेरा ऑब्जेक्ट। अभी मैं ऑब्जेक्ट के केस में बता रहा हूँ, तो देखो आप कर भी क्या सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के केस में, अगर मैं आपको समझाना भी है तो आप यहाँ पे एक्स किया, ये किया, एंड अभी रिसेंटली आपने कमेंट पढ़े हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिखा, एंटर किया, नाइन आ गया। तो देखो अब ये हुआ, अब आपको क्या देना था, ऑब्जेक्ट के बाद क्या था, एक सेपरेटर था आपका एंड एक एंड था, दो चीज आपको मैं यहाँ पे और बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा एंड यहाँ पे एक्स लिखा, एंड यहाँ पे एक काम करते हैं, इससे पहले हम एक और यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, वाई इक्वल टू यहाँ पे मैंने 10 ले लिया, ठीक है, एंटर किया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ एंड उसके बाद एक्स लिखा, यहाँ पे सेपरेटर दिया और यहाँ पे वाई लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट बंद किया, एंटर करता हूँ, देखो अभी क्या हुआ, अभी हमारा कहीं पे भी सेपरेटर तो प्रिंट हुआ ही नहीं है, मेरा क्या हुआ, 9 हुआ, फिर बीच में स्पेस हुआ, फिर 10 हुआ। तो इसका मतलब
अभी जो सेपरेटर है बाय डिफॉल्ट क्या होता है वहां पे SEP इक्वल आके हम कोमा लगा के एंड उसके बाद क्या करते हैं ऊपर यहाँ पे इस तरह से स्पेस दे देते हैं। तो अभी बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। अभी ये इसकी वैल्यू हमें चेंज भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ चलता हूँ, एक्स किया, मैंने वाई किया एंड सेपरेटर लिखा। अब मैं सेप इक्वल टू, चाहे तो मैं डबल ब्रैकेट लगा, डबल कोमा लगा दूं, चाहे सिंगल, कोई इशू नहीं है। मैंने मान लीजिएगा यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने एक टैब दे दिया, देखो टैब दे देता हूँ, ओके ओके टैब से ये आता है, ठीक है। मैंने इतनी स्पेस दे दी, टैब से क्या आया था कि उसके इनबिल्ट वो आ गए थे क्या क्या हम दे सकते हैं। मैंने एंटर किया, अब देखो जितना स्पेस मैंने यहाँ पे दिया था उतना ही स्पेस आया ना, उतना ही स्पेस आया। एंड एक काम और कर सकता हूँ मैं इसके अंदर कि मैं इसको नीचे, ओके मैंने क्या किया है, ठीक है चलो मैं दोबारा यूज कर ले रहा हूँ। मैंने प्रिंट किया एंड एक्स किया, वाई किया, उसके बाद यहाँ पे सेप किया एंड यहाँ पे मैं सिंगल कोमा लूंगा इस बार, पहले मैंने डबल लिए थे। और मान लीजिएगा मैंने यहाँ क्या, यहाँ पे मैंने मॉडुलो यूज किया, मॉडुलो यूज किया, एंटर किया, देखो दोनों के बीच में मॉडुलो आ गया। तो इस तरह से इसका अच्छा एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद एंड की बारी आती है, अब हम देखते हैं एंड यूज क्या होता है। देखो मैंने आपको पहले बता दूं कि प्रिंट इस तरह से हम कराते हैं, अगर प्रिंट तो क्या होगा, नॉर्मल न्यू लाइन हो जाएगी। अब अगर मान लीजिएगा मैंने प्रिंट यहाँ पे ऐसे लिख रखा है, प्रिंट किया एक्स किया, ठीक है, एंड उसके बाद प्रिंट किया वाई किया, ओके हाँ ठीक है, मैंने वाई किया एंड ये, तो देखो इस तरह से आ रहा। अभी इसको समझने के लिए आपको क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, आप समझ नहीं पाओगे ऐसे, ठीक है। नई फाइल बनाई, एक्स इक्वल टू 90 किया एंड देखो मल्टीपल यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं, मल्टी जो होता है हमारा मल्टीपल करते हैं, तो वाई किया, वाई करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे मैंने 80 कर दिया, ठीक है, ये मेरी वैल्यू हुई। एंड उसके बाद प्रिंट कराता हूँ मैं किसको, प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे मैं एक्स को एंड प्रिंट कराऊंगा मैं किसको, वाई को, वाई को मैंने प्रिंट कराया। हम करेंगे यहाँ पे सेव, सेव करते हैं हम किस नाम से, मैंने डेस्कटॉप पे फाइल बना रखी है उसी में मैं जाके सेव करूंगा। और यहाँ पे क्या मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, प्रिंट, तो यहाँ पे मैं प्रिंट वन डॉट पाइथन के नाम से, py के नाम से सेव कर लूँगा। एग्जीक्यूट करते हैं, ओके मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया था, मेरे को ये सही करना है, हाँ ठीक है, सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद देखो मेरे पास क्या 90 एंड 80 अलग अलग लाइन में मेरे पास आया है, ठीक है, अलग अलग लाइन में, मतलब यहाँ पे क्या आया मेरे पास, यहाँ पे इन्होंने सिलेशन, अगर सी लैंग्वेज की मैं कहूँ तो सिलेशन यूज़ किया है, सिलेशन इसमें भी यूज़ कर सकते हो पाइथन में, इसलिए मैंने सिलेशन बताया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं एंड जो मैंने एंड लिखा उसके इक्वल में मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे ये लगा दिया ऑपरेटर, ठीक है, एम्परसेंड ऑपरेटर, सेव किया, सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ, आउटपुट देखो क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, एम्परसेंड ऑपरेटर आ गया। तो इस तरह से हम एंड को यूज़ कर सकते हैं, और ये इस केस में नहीं, किसी भी केस में कर सकते हैं, स्ट्रिंग के केस में भी, सभी केस में होगा, मतलब एंड उसके अंदर चलता है, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। दोबारा अगर हमें कुछ और करना है, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ मैंने ये मल्टीपल स्टार प्रिंट करा दिए, सेव किया, एग्जीक्यूट करता हूँ, F5 से कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, F5 से किया, देखो ये आ गया। तो इस तरह से हम करा सकते हैं। तो ये इसका ऐसे होता है, प्रिंट ऐप में ही हम ऐसे करा सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला है, आपको प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है, आपको टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है कि हाँ भाई समझ नहीं आएगा, ऐसे वैसे समझ आएगा, आप प्रैक्टिस करो। देखो मेरा कहना यही है कि अगर आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारे पास नोट्स के अंदर क्या है, नोट्स के अंदर हमने देखा प्रिंट ऐप एंड सेकेंड हम चलते हैं हमारे पास क्या है। तो देखो मैंने यहाँ पे समझा रखा है आपको, वही जो मैंने आपको बताया था वही प्रॉपर मैंने आपको यहाँ बताया, जो मैंने करके बताया था, तो मुझे नहीं लगता कि इसको समझाने की नीड होगी, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। एंड नेक्स्ट के अंदर हमारे पास डेटा टाइप आ गए हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, अगर आपको डेटा टाइप देखना है, डेटा टाइप के देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में डेटा टाइप नहीं कवर करूंगा मैं, उस वीडियो के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है, एंड AKIT सॉल्यूशन जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ उसको कर लेना है सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।